सोलन का शांति बाईपास महज 5 किलोमीटर का है और करीब 10 वर्षों से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह विभागों में आपसी तालमेल की कमी और अधिकारियों की लेट लतीफी है। यही कारण है कि कई वर्षों से बाईपास का निर्माण अधर में लटका हुआ है। यही कारण है कि शहरवासियों को रोज जाम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाने के लिए पहाड़ी खोद दी है और सड़क के आसपास आने वाले बिजली के पोलों को शिफ्ट करवाने के लिए आगरे के साथ साथ विभाग में शिफ्टिंग के पैसे भी जमा करवा दिए हैं, लेकिन बिजली बोर्ड है कि गिरने की कगार पर खड़े करीबन आधा दर्जन पोलों को न जाने किस वजह से शिफ्ट नहीं कर रही है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि खुदाई की वजह से बिजली के पोल कभी भी गिर सकते हैं और किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन शायद विभाग किसी बड़ी दुर्घटना होने का ही इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां ये पोल गिरने की कगार पर है वे आम रास्ता है, बच्चे बूढ़े और जवान सभी यहां से गुजरते हैं जो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, और अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, इसलिए समय रहते इन बिजली के खंभों को यहां से शिफ्ट कर देना चाहिए। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सिराज में हुई बम्पर पोलिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा यहां बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया गया है। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए आश्रय शर्मा, पूर्व CPS सोहनलाल, पूर्व मिल्क फेड चेयरमैन चेतराम ने कहा कि इन लोकसभा चुनावों में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें सरकार का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सिराज में कांग्रेस के जो हमारे पोलिंग एजेंट थे उनके गलत हस्ताक्षरों वाली लिस्ट भेजी गई, जिस कारण पोलिंग एजेंट को पोलिंग बूथ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी को दूरभाष पर इसकी जानकारी देने के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई हुई तब तक अधिकतर मतदान हो चुका था। आश्रय शर्मा का ये भी आरोप है कि चुनावों में भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल किया है। भाजपा नेताओं ने जनता को तरह तरह के प्रलोभन दिए हैं। सिराज में पैरामिलिट्री फोर्स न तैनात करके पुलिस और होमगार्ड के ही जवानों को तैनात किया गया। शाम 6 बजे के बाद भी अधिकतर स्थानों पर मतदान चल रहा था और दूसरी तरफ एग्जिट पोल जारी हो गया, जिसे चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था। इससे मतदान पर काफी विपरीत असर पड़ा है। इस संदर्भ में एक शिकायत चुनाव आयोग से हम करने जा रहे हैं ताकि इस पर कार्रवाई हो। बल महाविद्यालय मंडी में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित किया गया। शिविर के समापन अवसर पर DFO मंडी SK कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य राकेश शर्मा समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। 7 दिवसीय शिविर में वनस्पति विज्ञान विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। समापन समारोह में अपने संबोधन में मुख्य अतिथि DFO मंडी SK कश्यप ने कहा कि वनस्पति हमारी बहुमूल्य संपत्ति है और यदि सभी मिलजुल कर इसका ध्यान रखेंगे तो वे बहुमूल्य संपत्ति सुरक्षित रहेगी। जैसे जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, नेतागण भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं। सिर्फ एक दिन का समय अब चुनाव परिणामों के लिए बचा है। BCCI के पूर्व अध्यक्ष हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर परिवार सहित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर माता की पूजा अर्चना की, कन्या पूजन किया, हवन किया और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और दोनों पुत्र भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपने हर काम की शुरुआत माता श्री नैना देवी के दरबार से करते हैं। अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी यहां से की थी और अब जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं तो भी वे माता के दरबार में पहुंचे हैं।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि माता रानी का आशीर्वाद निश्चित रूप से उनके साथ रहा है और इस बार भी माता रानी उन्हें जिताकर संसद में भेजेगी और वह जीत का चौका लगाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके मुकाबले में कोई भी नेता आज की तारीख में नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के पास कोई ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, क्योंकि ज्यादातर नेता भ्रष्टाचारी हैं या बेल पर हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियां, उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान, लोगों में भारी उत्साह चुनाव के दौरान देखा गया, जो कि निश्चित रूप से अब चुनाव परिणाम बदलने वाला है।